तो प्यारे बच्चों इस वाले सवाल को देखो इसमें क्या कहा जा रहा है इस टाइप के क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं नीट में तो इसको हम लोग ट्राई करते हैं सॉल्व करते हैं ये कह रहा है एक अपने पास रेडियो एक्टिविटी मिक्सचर है ये मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ दू आइसोटो ए वन और ए टू ठीक है न जो जिसका हाफ लाइफ यहाँ पे दिया हुआ है बीस सेकेंड एवन का जो बीस सेकेंड है एवन को मैं फर्स्ट मानता हूँ तो इसका हाफ लाइफ बीस सेकेंड है ठीक है और जो ए टू है उसको मैं हाफ लाइफ टेन सेकेंड यहाँ पे दिया हुआ है ये ए वन है और ये अपना ए टू है ठीक ना तो ये कहता है जब समय जीरो था जब टी इक्वल टू ज़ीरो था तो जो ए वन था उसकी वैल्यू यहाँ से फोर्टी ग्राम थी और जो दूसरा था एस उसको मैं एन टू मान लेता हूँ एक सौ साठ यहाँ से ग्राम था ये इनिशियली अमाउंट है एन नॉट है ठीक ना एन नाट है तो यहाँ से अमाउंट ऑफ द टू बी के मिक्सर कितने समय बाद दोनों डिस होंगे तो कितने समय बाद जो है उनका जो अमाउंट है इक्वल हो जाएगा तो अपना जो प्यारा सा फार्मूला है वो अपना लगा देते हैं कि कितने टाइम बाद इक्वल हो जाता है तो टी टाइम बाद कितना बचा हुआ है रिमेनिंग का फार्मूला आपको पता होगा एन इज इक्वल टू एन नॉट वन बाई टू टाइम टी और ये कैपिटल टी ये वाला फार्मूला आपको याद होगा आई तो इसी को हम दो बार लगा देंगे एक बार ए वन के लिए एक बार ए टू के लिए तो फॉर ए वन के लिए मैं लगाऊंगा तो यहाँ से एन वन और यहाँ एन नॉट इसका 40 था और वन बाई टू की पावर टाइम टी और यहाँ से हाफ लाइफ 20 इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो मान ले ठीक है टी टाइम बाद फॉर ए के लिए लगाता हूँ टी टाइम बाद तो मान लो जो ए बचा हुआ वो एन और इनिशियली एन नॉट एक ग्राम था और वन बाई टू यहाँ से t और यहाँ से 10 सेकंड ये इक्वेशन नंबर टू तो यहाँ से जो एन वन है और एन टू है ये दोनों कह रहा है कि मान लो t टाइम बाद बराबर हो जाएंगे तो t टाइम बाद अगर इफ एन वन एन टू बराबर होते हैं और वो टाइम t है तो यही t पूछ रहा है कि कितने टाइम बाद जो रिमेनिंग है उन दोनों का इक्वल हो जाएगा तो इनको मैं इक्वेट कर देता हूँ फोर्टी वन बाई टू यहाँ से टी अपन ट्वेंटी और यहाँ से वन सिक्सटी और यहाँ से वन बाई टू और टी अपन यहाँ से टेन तो अगर तुम यहाँ से देखोगे तो एक काम करते हैं इनको हम लोग कैलकुलेट का, कर लेते हैं तो ये ज़ीरो से ज़ीरो कट गया और ये फोर टाइम्स कट जाएगा तो फोर टाइम्स कट जाएगा और इसको मैं वन बाई टू

इनवर्स लोगे तो टू की पावर माइनस लोगे तो माइनस यहां से टी अपन ट्वेंटी और माइनस टी अपन पावर इक्वेट कर दो पावर इक्वेट कर दोगे तो टी बाई टेन और माइनस टी अपन ट्वेंटी की जो वैल्यू है वो टू के बराबर है ठीक है तो यहां से तुम देखोगे टू टी माइनस टी अपन यहाँ से ट्वेंटी दैट इज इक्वल टू टू तो टी इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा आ, आ जाएगा फोर्टी सेकेंड मतलब चालीस सेकेंड बाद ये जो है इक्वल हो जाएगा एनवर और एंटू तो इसमें से देख लेते हैं अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है तो इसमें से जो बेस्ट ऑप्शन सही आ, है बच्चों वो है अपना डी ऑप्शन तो आई होप कि आपको मज़ा आ गया होगा थैंक यू